जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 27 मार्च 2021 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। तो भाई रेसलर बताना है कौन से भाई रेसलर हैं। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है द ग्रेट खली, आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक, यहाँ पर सही आंसर है। WWE के मुताबिक दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया जा रहा है। द ग्रेट खली के साथ अंडरटेकर और केन के भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। द ग्रेट खली ने 2006 के अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर दो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये जो स्वर्ण पदक जीत लिया है, किसने ये स्वर्ण पदक जीता है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि चिंकी यादव। चिंकी यादव ने 24 मार्च 2021 को अनुभवी राही सरनोबत के साथ मनु भाकर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिससे भारत ने ISSF विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक जीत लिए है। चिंकी यादव ने 2019 में दोहा में हुई 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा जीता था। वे पहले 20 निशानों में 14 के स्कोर से आगे चल रही थी, उनके बाद मनु 13 अंकों से दूसरे स्थान पर थी। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर तीन पूछा गया है कि हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो किसको किया जाएगा, ये आपके लिए यहां पर बताना है। तो आपका यहां पर जो सही आंसर है वह है यहां पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीन का विकल्प नंबर सी, यानी कि आशा भोसले। आशा भोसले आपका यहां पर सही आंसर है। देखिए सिंगर आशा को महाराष्ट्र की सरकार के जो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस साल जो आशा जी को इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1996 से दिया जा रहा यह पुरस्कार राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उनके उत्कृष्ट कार्यों और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिकों सलाहकार के विजय राघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। तो के विजय राघवन का कार्यकाल जो बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं ये, और इनका जो कार्यकाल बढ़ा दिया है वह बढ़ा दिया है एक साल के लिए। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, इनका कार्यकाल जो है एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद 2018 में PSA नियुक्त किया गया था। उनका अनुबंध 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक जो है इनका जो कार्यकाल है वह बढ़ा दिया है। तो पूरा एक साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है, और 5 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 5 का विकल्प नंबर डी, यानी कि 40वें स्थान पर है। 40वें आपका विकल्प नंबर एक यहाँ जो डी दिया गया है वह आपका सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40वें स्थान पर है। यह सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह पेटेंट के आधार पर 23 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की बौद्धिक संपदा अधिकारों और IP संपत्तियों के व्यवसायीकरण, कॉपीराइट नीतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है,
हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है क्या है, विकल्प नंबर एक यानी कि शरद पगारी। विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री सामग्री के नाम के लिए दिया गया है। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो देखिए किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सही प्रायोजित किया है? तो किस देश में किया है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है अमेरिका। आपका यहाँ पर सही आंसर है, अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाओं को भी याद किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है? तो ग्राम उजाला योजना जो लॉन्च की है किस शहर में ये योजना लॉन्च की है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आज का राइट आंसर आपका यहाँ पर है विकल्प नंबर 2 यानी कि बी राइट आंसर वाराणसी। वाराणसी आपका सही आंसर है। बिजली तथा नवीन तथा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सहनी ने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की है। ग्राम उजाला योजना 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता LED बल्ब प्रदान करती है। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना से ग्रामीण रोजगार के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के गाँव का भी उत्थान करेगी और जलवायु परिवर्तन समन में योगदान भी देगा। पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, चैलेंज प्रश्न आपके लिए दिया था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर था विकल्प नंबर बी राइट आंसर था, कपूरथला और पेरम्बूर आपका सही आंसर। रेल के डिब्बे का निर्माण देख लेते हैं, निर्माण केंद्र जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई VG डिब्बा निर्माण और रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला पंजाब में है, BG डिब्बा निर्माण होता है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स जो है चितरंजन और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, कहाँ पर बेंगलुरु कर्नाटक में है। और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड अगर पूछा जाए ये कहाँ पर है तो ये आपकी कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। व्हील एंड एक्सेल बेंगलुरु में है, व्हील एंड एक्सेल ये जो कंपनी है ये कहाँ पर है ये आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इन कंपनियों के बारे में भी आपके लिए याद रखना है कि कौन सी कंपनी कहाँ पर है। आज का चैलेंज प्रश्न है आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी वीडियो देख सकें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें, यहीं पर आपके लिए PDF और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।